Good afternoon to all of you students. Today we are going to study the elementary properties of a group and also I am going to solve some theorems. So, first lemma is that in a group G, uh, the identity element is unique. Uh, second uh, part we have to show is the inverse of each element A in G is unique and a inverse whole inverse this is equal to a for all a belongs to g where a inverse is the inverse of a a uh, fourth uh, property is that a b whole inverse this is equal to b inverse into a inverse for all a b belongs to group g and also uh, the fifth property is the cancellation laws hold so this is the left cancellation and uh, right cancellation law so that is a b is equal to ac implies b is equal to c and similarly b a is equal to CA implies B is equal to C for all ABC in the group G. सो so, अब यहाँ पे हम यहाँ पर हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो ग्रुप है ये uh, उसका फर्स्ट लेमा है सो so यही सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास ग्रुप की सो so हमें ये चीज़ हमें क्या करनी है अभी यहाँ पे प्रूफ करनी है सो so फर्स्ट uh, जो प्रॉपर्टी है हमें ये शो करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है ग्रुप जी का इसी तरीके से हमें प्रूव करना है कि जो इनवर्स होगा ऑफ ईच एलिमेंट जो ए इन जी होगा वो ऑल्सो यूनिक है uh, इसी तरीके से ए इनवर्स का अगर हम होल इनवर्स निकालेंगे दैट शुड बी इक्वल टू ए और ए बी का अगर होल इनवर्स निकालेंगे वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें कैंसिलेशन होल्ड करनी है सो so, देखिए सबसे पहले प्रूफ में हमें कैसे लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे ए ग्रुप सो पे जो मैं बाइनरी ऑपरेशन ले रही हूं दैट इज स्टार सो कंसिडर ए ग्रुप हमें पता है ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है हम इस तरीके से लिखते हैं उसको सो जी अंडर स्टार सो सपोज अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक प्रूव करना है तो मीन्स हमें कोई दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स उस ग्रुप में लेने हैं और ये शो करना है कि वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर इक्वल सो सपोज दैट ई वन एंड ई टू आर टू आइडेंटिटीज आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप सो so, uh, अगर हमारे पास e1 और e2 दो आइडेंटिटीज़ है तो अगर हम इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे सो दिस मीन्स e1 वन स्टार ई टू सो वो किसके इक्वल आ जाएगा दिस विल भी इक्वल टू e2 टू फ्रॉम दिस इज बेसिकली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी सो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस इस केस में e1 क्या है e1 वन इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट सो ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि दैट ई टू ई टू स्टार ई वन दिस इज इक्वल टू ई वन सो बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस ई टू इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट So, ये मैंने एक साइड की इक्वलिटी लिखी आप दूसरी साइड की भी लिख सकते हैं है, so, हमारे पास जो हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जब हम ग्रुप की डेफिनेशन में हम जो प्रॉपर्टी लिखते हैं ये वहीं से मैंने लिखी है सो so, अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास दोनों पार्ट हमारे पास सेम आ रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दस जो ई e वन है दिस इज इक्वल टू ई टू दस ई वन इज इक्वल टू ई टू सो दिस इंप्लाइज दैट यहां से क्या आ गया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो गया हमारे पास दैट इज यूनिक सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज यूनिक सो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया सो so, यहाँ पे आपने देखना है कि जैसे e1 वन स्टार ई लिया वो e2 के इक्वल आ रहा है इसी तरीके से अगर हम e1 वन स्टार ई लेंगे वो भी e1 के इक्वल आएगा यहाँ यहाँ से अगर देखेंगे e2 टू स्टार ई होगा वो e2 के इक्वल आएगा तो मींस ये वाली चीज़ यहाँ पे अगर आप सब कर देंगे तो स्टिल हमारे पास क्या आ जाएंगे ये दोनों आइडेंटिटीज़ क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगी तो मीन्स ई किसके इक्वल आ रहा है ई के इक्वल आ रहा है सो so, अब हमें सेकेंड पार्ट में ये शो करना है कि जो इन्वर्स होगा ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप वो भी यूनिक होगा सो so, हम सबसे पहले ग्रुप कंसिडर करेंगे सो आई विल राइट कंसिडर ए ग्रुप जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार विथ आइडेंटिटी ई सो इसमें मैंने आइडेंटिटी क्या ले ली e है इस टाइम ई ले ली है विथ आइडेंटिटी ई सो so, uh, जब ये इसमें हमारे पास आइडेंटिटी ई e है और हम साथ में क्या करेंगे इस ग्रुप में हम एक एलिमेंट लेंगे ए सो लेट ए बिलोंग्स टू जी सो अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है तो मींस उसका इनवर्स भी क्या होगा उसी ग्रुप को बिलोंग करेगा सो आई हैव रिटर्न दैट लेट ए बिलोंग्स टू जी आर्बिटरली सो देर फोर ए इन्वर्स भी जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा इस ग्रुप जी को सो सिंस जी इज ए ग्रुप सिंस जी इज अ ग्रुप सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा इफ पॉसिबल हम अब दो इनवर्सिस लेंगे क्योंकि हमें यूनिक शो करना है तो हमें वो दो इनवर्सिस जो हम लेंगे वो भी इक्वल शो करना है सो आई विल राइट हीर इफ पॉसिबल लेट जो हमारे पास दो इनवर्सेज है मीन्स ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल लिख रही हूं मैं एक बी वन ले रही हूं और एक बी टू ले रही हूं सो दैट इज b1 and b2 are two inverses of a are two inverses of a so ye maine do inverses le liye a ke and yahan pe likh lete hain sath mein for some b1 and b2 which belongs to group g अब हम इस पे inverse की definition लगाएंगे तो ये आ जाएगा a into the A into फर्स्ट हमारा इनवर्स क्या है बी वन सो मैंने लिखा ए इन बी वन और वो किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी के क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कि दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी और हम इसको दूसरी इक्वलिटी भी ये होल्ड करेगा दैट इज बी वन स्टार ए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी सिमिलरली हमारे पास सेकेंड पार्ट में आ जाएगा ए स्टार सेकेंड हमारी जो इन्वर्स uh, था दैट इज बी टू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ऑल्सो वी कैन राइट इट एज बी टू स्टार ए सो यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन में सिंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी वन और यहाँ पे दूसरा में आ जाएगा आपके पास रीजन दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी टू क्योंकि ये बी वन और बी टू हमने क्या लिए थे इसके इन्वर्स इज लिए थे सो नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सो नाउ So now... जो हमारे पास b1 वन यूनवर्स है सो so, इस b1 वन यूनिवर्स को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ b1 को विथ बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी सो क्योंकि अगर आइडेंटिटी के साथ इसको मल्टीपल भी होगा स्टिल ये क्या रहेगा सिंपल b1 ही रहेगा सो so, इस आइडेंटिटी को मैं चेंज कर दूंगी यूजिंग दिस जो ये इक्वेशन है वन और टू यहाँ पे अप्लाई करूंगी सो so, मैं लिखूंगी यहाँ पे दैट बी वन अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार और अब आइडेंटिटी की जगह पे मैं लिख रही हूँ ए स्टार बी क्योंकि ये फ्राम इक्वेशंस सेकेंड से आ जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है एग्जिस्ट कर रही हैं सो so, यहां से मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी बी वन स्टार ए एंड स्टार बी टू सो ये टर्म आ गए क्योंकि यहां पे मैं आप एसोसिएटिव लॉ लगा दिए सो so, आप लिख सकते हैं यू बाई एसोसिएटिविटी इन ए ग्रुप बाई एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप सो so, ये हमारे पास आ गया अब जो बी वन स्टार ए था अगर हम वो देखेंगे b1 वन स्टार ए किसकी इक्वल है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द आइडेंटिटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन टू बी टू यह हमारे पास आ गया सो so, अब आइडेंटिटी को अगर मल्टीपल आप कर रहे हो मतलब किसी एलिमेंट से जैसे b2 से तो वो स्टिल b2 ही रहेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आ गई b2 टू so, सो अब हमारे पास एल में था b1 और आर में हमारे पास आया b2 टू सो दियर फोर वी कैन राइट इट एज बी वन इज इक्वल टू बी सो so, यहां से हमारे पास क्या शो हो गया कि ईच एलिमेंट जो ग्रुप का होगा उसका यूनिक इनवर्स होगा ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज यूनिक इनवर्स सो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई सो so, अब थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करते सो थर्ड प्रॉपर्टी में हमें ये शो करना था कि दैट ए इन्वर्स का होल इनवर्स ए केक्वालाएगा तो हम सबसे पहले सेम उसी प्रोसीजर से लिखेंगे कंसिडर ए ग्रुप जी अंडर स्टार सो so, ये हमने ग्रुप ले लिया जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन हमने इसके ऊपर स्टार अप्लाई किया है अब हम कोई एलिमेंट ए लेंगे उस ग्रुप जी में सो so हमने एक एलिमेंट उस ग्रुप में ले लिया सो so अगर वो एलिमेंट उस ग्रुप में है तो उसका मतलब ये भी होगा कि उसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या करेगा उस ग्रुप को बिलोंग करेगा सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी और वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट इन जी और वी कैन राइट ए इनवर्स एग्जिस्ट इन दिस ग्रुप दैट इज ग्रुप जी सो so, ये हमारे पास आ गया अब हम यहाँ से क्या करेंगे हम वी कैन राइट लेट ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू बी सो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास जब ये ए इनवर्स इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा तो हम लिख सकते हैं ए अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन टू बी दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी स्टार ए सो so मीन्स ये जो यहाँ पे ए टर्म था वो मैंने इस साइड से ले लिया तो ये वाला पार्ट आ गया और इस जगह पे इनवर्स की जगह पे हमारे पास आइडेंटिटी रहेगा तो ये दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये कमोटेटिव है सो so अगेन यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा सो so यहां से हमें ये इंप्लाई हुआ कि जो b इनवर्स है दैट इज इक्वल टू a फर्स्ट पार्ट से हमारा आया a इनवर्स इज इक्वल टू b एंड अदर पार्ट से हमारे पास आएगा b इनवर्स इज इक्वल टू a सो so अब b इनवर्स हमारे पास क्या आएगा ए इक्वल मगर b क्या था हमारा किसके इक्वल था दैट वाज इक्वल टू a इनवर्स तो so अब वही चीज मैं यहां पे अप्लाई करूंगी सो आई विल राइट दिस इंप्लाइज b की जगह पे मैं b की वैल्यू लगाऊंगी दैट इज a इनवर्स का होल

जो उसके ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाएंगे वो भी किसको बिलोंग करेगा ग्रुप जी को सो दिस इम्प्लाइज वी कैन से दिस इम्प्लाइज सी बिलोंग क्या करेगा ग्रुप जी को ये yeah, हमने एक और एलिमेंट सी लिया है और वैर ये जो सी है ये किसके इक्वल है आई विल राइट सी इज इक्वल टू ए ए स्टार बी सो मीन्स ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई सो so मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमने कोई दो एलिमेंट्स ग्रुप में लिया और हमने लिखा कि जो उसका बाइनरी कम्पोज जो उसका बाइनरी जब हम उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो भी किसको बिलोंग करेगा उस ग्रुप को ही बिलोंग करेगा सो so यहाँ से मैंने क्या लिखा जो ये ए स्टार बी है उसको मैंने सी के इक्वल लिखा है सो so सी क्या आ जाएगा वो बिलोंग कर जाएगा जी को सो so ऑल्सो सो so ऑल्सो अगर हमारे पास ए भी जो थे ये एलिमेंट जी में थे तो मीन्स इनका इनवर्सेज भी इसमें होंगे तो आई कैन राइट हेयर की डैट ऑल्सो बी ए belongs to B and A belongs to group G ये भी group G को belong करेंगे so therefore जो इसके this implies directly लिख लेती हूँ मैं this implies जो इसके inverses हैं वो भी group को belong करेंगे that is B inverse and A inverse ये भी इस group G को belong करेंगे so this implies जो B inverse के साथ में जब binary operation A star लगाऊंगी with दिस ए इनिवर्स ये भी किसको बिलोंग करेगा ग्रुप जी को बिलोंग करेगा सो so, यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी मैंने इस पूरे पार्ट को डी के इक्वल ले के ले रही हूँ जैसे मैंने यहाँ पे सी के इक्वल लिया था अब इस पार्ट को मैं डी के इक्वल लिखूंगी सो आई विल राइट सो दिस इम्प्लाइज डी बिलोंग्स टू ग्रुप जी और वी कैन राइट वायर

कंसीडर सी अब मैंने क्या करना है ये मेरे पास एक पार्ट आ गया एक सी का पार्ट आ गया और एक मेरे पास डी का पार्ट आ गया अब मैंने इन दो पार्ट जो ये दो टर्म्स आ गई इनका मैं बाइनरी ऑपरेशन के साथ इसकी वैल्यू देखूंगी सो आई विल राइट हियर दैट सी स्टार डी दिस इज़ इक्वल टू अब सी की वैल्यू कितनी थी इट वॉज़ ए स्टार बी और इसका कम्पो इसका जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर स्टार लगाएंगे और साथ में आ जाएगा आपके पास डी पार्ट अब मैं बाद में इसमें वैल्यू सब शूट करूंगी सो आई विल राइट यहां पे एसोसिएटिव लगाएंगे तो यहां पे लिख देती हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट से आ गया ये पार्ट अब यहां पे associative लगाएंगे, तो यह बन जाएगा ए स्टार देन बी स्टार डी आ जाएगा सो यूजिंग एसोसिएटिव ला आपने साथ में रीजंस भी लिखने वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और वी कैन से सो ये हमारे पास आ गया सो so यहां से अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं ए देन स्टार देन बी स्टार अब डी की वैल्यू भी इधर सब कर लेते हैं दैट इज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स सो ये मैंने अप्लाई कर दिया अब इसके ऊपर फिर से हम एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं सो so यहाँ पे लिख देती हूँ फ्राम इक्वेशन सेकेंड सो फ्राम इक्वेशन सेकेंड सो फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ए स्टार ये जो इनर ब्रैकेट पे मैं अप्लाई करूँ ये बन जाएगा आपके पास b स्टार इंटू बी इनवर्स एक ब्रैकेट में देन स्टार इंटू ए इनवर्स तो ये आ गया हमारे पास सो अगेन राइट द रीज़न दैट यूजिंग एसोसिएटिव ला लॉ और प्रॉपर्टी सो यहाँ से अब आ जाएगा ए अब बी स्टार इन बी भी इनवर्स किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो वो चीज़ अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आइडेंटिटी इन आइडेंटिटी देन स्टार ए इनवर्स सो अगर आइडेंटिटी uh, को हम uh, किसके साथ ए इवर्स के साथ हम uh, उसको पे अप्लाई करेंगे स्टिल वो एनवर्स ही रहेगा सो so, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल भी ए स्टार टू ए इनवर्स सो अगेन ये किसके इक्वल है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द आइडेंटिटी सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई डियर फोर सी स्टार जो डी है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास आइडेंटिटी सिमिलरली हम जो इसका रिवर्स uh, पार्ट है दैट इज डी स्टार सी वो भी किसके इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी सो वी विल राइट हियर दैट सिमिलरली वी कैन फाइंड डी स्टार सी दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी सो दियर फोर हमारे पास क्या बन गई एक्सप्रेशन सी स्टार डी दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी स्टार सी सो यहां से इसका मतलब क्या बन गया अगर हम लिखते थे ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए दिस मीन्स यहां पर हम लिखते थे कि जो बी है दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स सो so मीन्स वो उसका इनवर्स है सो so सेम यहां पे भी हम यही लिखेंगे कि दैट दिस इम्प्लाइज सी इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू डी यहां पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया अब जो सी था हमारे पास वो किसके इक्वल था हमने लिखा था अभी स्टार्टिंग में सी की जो वैल्यू थी सी वॉज ए स्टार और इन टू बी सो so, यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे ए स्टार बी का होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू डी और डी की वैल्यू कितनी थी दैट वाज बी इनवर्स स्टार ए इन्वर्स सो वो भी अप्लाई कर लेती हूँ यह आ जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इन्वर्स सो यहाँ से हमारे पास जो आ गया हमें जो क्वेश्चन uh, प्रूव करना था वही आ गया और आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट ए बी का होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इन टू ए इनवर्स सो बेसिकली हम यहाँ पे ए बी जैसे हमने स्टार यहाँ पे हटा दिया तो मीन्स ये फॉर कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे लिख देते हैं सो so, आप चाहे ए स्टार भी लिख सकते हैं या कन्वीनियंस के लिए आप जनरली ए बी होल इनवर्स भी लिख सकते हैं सो बोथ आर करेक्ट सो मैं यहां बार लिख देती हूं फॉर कन्वीनियंस वी कैन राइट ए स्टार बी एस ए बी सो so ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया अब लास्ट पार्ट है दैट इज फिफ्थ पार्ट सो फिफ्थ पार्ट प्रूव कर लेते हैं so सो अब हमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करनी है तो हमारे पास क्या गिवन था सो आई विल राइट हियर लेट ए स्टार जो बी है वो किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू ए स्टार सी ये हमारे पास गिवन था सो so और हम इसको ये भी लिख सकते हैं मैंने आपको बताया फॉर कन्वीनियंस के लिए ए बी इज इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं सो so, अब हमने क्या करना है यहाँ से लेफ्ट uh, कैंसिलेशन और जो राइट right कैंसलेशन ला है दोनों को प्रूव करना मीन्स ये होल्ड करता है किसी ग्रुप में सो so, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका इन्वर्स ले लेंगे सो आई विल राइट हियर देन ए इन्वर्स को मैं मल्टीपल कर रही हूँ इस टर्म के साथ नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फर्स्ट के साथ सो ये आप क्या आएगा ए इन्वर्स इंटू ए स्टार बी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू यह आ जाएगा ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी सो मीन्स मैंने इसको ए इन्वर्स से बहुत साइड मल्टीपल कर दिया है सो so यहाँ से ये यह पार्ट मेरा आइडेंटिटी बन जाएगा सो so ये बन जाएगा ए इन्वर्स स्टार ए दैन स्टार बी दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए दैन स्टार सी सो ये आप यहाँ पर लिखेंगे दैट यूजिंग एसोसिएटिविटी सो so, अब ए स्टार जो ए इनवर्स स्टार ए है दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी बिकॉज वी नो दैट ए इनवर्स स्टार ए दिस इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी तो वो ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्टार बी दिस इज इक्वल टू ई स्टार सी सो यहाँ से सेम क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी B इज इक्वल टू सी सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया सो ये हमने शो कर दिया कि हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो है वो कहाँ पे होल्ड करता है उस ग्रुप में होल्ड करता है सेम हम क्या कर सकते हैं हम राइट right कैंसिलेशन के लिए भी ये चीज प्रूव कर सकते हैं सो सिमिलरली आई विल राइट हियर सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आ, हमारे पास था दैट इज़ राइट कैंसिलेशन के लिए आता बी ए इज इक्ल टू सी ए इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी सो सेम चीज़ आप प्रूव कर सकते हो या और आप ऐसे भी लिख सकते हो बी स्टार ए दिस इज इक्वल टू सी स्टार ए एंड दिस इम्प्लाइज़ बी इज इक्वल टू सी सो इस तरीके से आपने क्या करना है प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है सो so, अब नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं सो फर्स्ट थेरम है कि फॉर एलिमेंट्स ए बी इन ए ग्रुप जी द इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोलूशंस फॉर एक्स वाई इन ग्रुप जी तो हमें ये शो करना है कि हमारे पास एलिमेंट्स जो है हमने जैसे लिए हैं ए बी उस ग्रुप जी में और ये उनकी इक्वेशन है दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी सो मीन्स यहां पर मैंने कन्वीनियंस में लिखा अगर आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो आप लिखोगे ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए दिस इज इक्वल टू ठीक है सो हैव यूनिक सोल्यूशन हमें ये शो करना है कि जो ये इक्वेशन है इनके क्या सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन है अब यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको पता है हमें कोई दो सोल्यूशन लेंगे और उस इक्वेशन की और वो दोनों इक्वल शो करेंगे तो सेम हम यहां पे यही प्रूव करेंगे सो so, सबसे पहले मैं लिखूंगी दैट नाउ गिवन हमारे पास क्या है ए एक्स इज इक्वल टू बी सो इस इक्वेशन को नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट मैं इसको बोथ साइड से मल्टीपल कर दूंगी ए से सो आई विल राइट हियर ए इनवर्स देन इनटू ए एक्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी ये मैंने इसको मल्टीपल कर दिया सो so, यहां से मेरे पास फर्दर क्या बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी सो यहां पर आप लिखेंगे कि दैट यूजिंग uh, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यह आ जाएगा आपके पास यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सो so, अब ए इनवर्स ए जो होता है जिसको हम ए इनवर्स स्टार ए भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो यहां से आप डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू लगाओगे तो आइडेंटिटी इन टू एक्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और वी कैन से दैट एक्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी सो वी कैन सो दिस इज बेसिकली द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सो आई विल राइट विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन

सो so, अब हमने इसका क्या प्रूव करना है यूनिकनेस प्रूव करना है सेकेंड पार्ट हमें इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है सो so, अब यूनिकनेस के लिए हमें दो सोल्यूशन लेने हैं और वो दोनों इक्वल शो करने तो सेम आई विल राइट हियर लेट जो ये x है सो दिस इज इक्वल टू x1 वन एंड एक्स ये क्या है हमारे पास दो सोल्यूशन सो बी टू सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो ये मैंने दो सोल्यूशंस ले लिए ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट वो क्या थी हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी सो देन अब जो हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो x1 और x2 है ये इसके दो सोल्यूशन है इस इक्वेशन के तो मीन्स जो हमारे पास जब अब जो ये x1 जो सोल्यूशन बनेगा वो भी इसी फॉर्म में बन जाएगा जैसे हम हमने दिया हुआ था जैसे इक्वेशन है तो मैं वही चीज यहाँ पे लिख दूंगी दैट इज एक्स वन दिस इज इक्वल टू बी एंड सिमिलरली जो ए एक्स टू होगा दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी क्योंकि सेम इसी टाइप के होंगे सो so, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि दोनों ए बी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्योंकि ये भी बी के इक्वल है एंड ये भी बी के इक्वल है तो वी कैन राइट हियर दैट दिस इम्प्लाइज ए एक्स वन दिस इज इक्वल टू ए एक्स टू सो अब यहाँ पे हम लेफ़्ट कैंसिलेशन ला यूज़ करेंगे सो लेफ्ट बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला कैंसिलेशन ला वी हैव सो so, यहाँ से क्या आ जाएगा ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास x1 किसके इक्वल आ जाएगा x2 के इक्वल आएगा सो so, यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि जो ये सोल्यूशन है वो यूनिक है सो देयर फोर शोइंग दैट द सल्यूशन इज यूनिक सो so, ये हमने फर्स्ट uh, जो इक्वेशन uh, थी दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी के लिए प्रूव किया सेम हमने क्या करना सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है फॉर वाई ए इज इक्वल टू बी के लिए सो so, वहाँ से हमारे पास सेम यही चीज आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा सो so, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सिमिलरली सिमिलरली वाई इज इक्वल टू से मैं इसको लिखूंगी बी इन ए इनवर्स विल बी the unique solution unique solution of the equation of the equation y a is equal to b तो मीन्स यहाँ से हमारी ये थ्योरम प्रूव होगी और आपने सिंपल सेम यही चीज़ स्टेप्स लेके चलना अब यहाँ पे सिर्फ ए एक्स इज इक्ल टू बी की जगह पे आप लिखोगे वाई ए इज इक्वल टू बी देन उसको अगेन बोथ साइड से इनवर्सेज uh, से मल्टीपल करोगे एंड अगेन आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी दैट इज यहाँ पे आप एक्स की जगह पे ये वाई बन जाएगा देन वाई इज इक्ल टू आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स बी के और फिर आपने क्या करना है सेम आपने दो सोल्यूशंस लेने अब यहाँ पे मैंने जैसे एक्स के इक्वल

वाई वन इन टू ए दिस इज इक्वल टू वाई टू इन टू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम दैट इज ए सो वहां से वाई वाई कैंसलेशन लॉ से वो uh, जो हमारे पास ए ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वाई वन किसके को लाएगा वाई टू के को लाएगा सो सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है फॉर सेकेंड इक्वेशन के लिए सो नेक्स्ट थेरम है कि प्रूव दैट द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन ए ग्रुप हैंड शो दैट आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक सो so, ये पार्ट भी मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में प्रूव कर दिया है आप चाहे वहाँ से भी कर सकते हैं या स्टिल मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देती हूँ सो आप लिखेंगे कि दैट कंसीडर पहले ग्रुप ले लेंगे सो कंसीडर द ग्रुप हमने ले लिया जी सो कंसीडर द ग्रुप जी सो so, अब हम इसमें एलिमेंट्स लेंगे सो लेट ए बी एंड सी ये किसको बिलोंग करेगा ग्रुप जी को क्योंकि हमें कैंसिलेशन ला होल्ड करना है सो सच दैट क्या आ जाएगा ए बी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ए सी के इक्वल सो नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट सो so, अभी मैं लेफ्ट कैंसिलेशन के लिए आ, शो कर रही हूँ सो so, अब यहाँ पे आएगा कि अगर एलिमेंट ए जो है वो ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है तो मीन्स उसका इनवर्स भी क्या करेगा उस ग्रुप को बिलोंग करेगा सो ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप जी सो दिस इम्प्लाईज सच दैट क्या हो जाएगा कि दैट ए ए इन्वर्स इंटू ए वो किसके इक्वल आएगा आइडेंटिटी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए सो ये दोनों चीज़ें इक्वलिटी होल्ड करती है सो दियर फोर फ्राम इक्वेशन फर्स्ट सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव हमारे पास क्या है दैट इज़ ए बी किसके इक्वल है ए सी के इक्वल अब मैं इस टर्म को क्या करूंगी दोनों साइड से ए इनवर्स से मल्टीपल कर दूंगी सो so मैंने यहाँ पे ए इनवर्स को मल्टीपल कर दिया सो दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए सी सो यहाँ से ये यह आपके पास बन जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए देन बी दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इंटू सी सो यहाँ पर आपने डायरेक्टली इसकी जो रीजन्स हैं वो लिखने हैं दैट इज़ यूजिंग एसोसिएटिविटी सो so अगेन हमारे पास ए इनवर्स इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख सकते हैं तो यूजिंग सेकंड हमारे पास आएगा तो ए इनवर्स ए आइडेंटिटी के इक्वल आएगा तो ई इंटू बी दिस इज इक्वल टू ई इंटू सी सो आइडेंटिटी को अगर एलिमेंट से मल्टीपल भी करोगे वो सेम एलिमेंट ही रहेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा बी इज इक्वल टू सी सो दिस इम्पलाइज सो यहां से हमने क्या शो कर दिया बी किसके इक्वल आ गया सी so सो ये हमारे पास क्या आ गया दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन ला सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं राइट कैंसिलेशन ला के लिए भी शो कर सकते हैं तो आई विल राइट डायरेक्टली दैट सिमिलरली वी कैन शो फॉर फॉर राइट कैंसिलेशन ला और वो क्या है हमारे पास दैट बी ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सी ए सो so, ये इम्प्लाई करेगा बी किसके इक्वल आ जाएगा सी के इक्वल सो so, अब दोनों पार्ट के लिए प्रूव कर सकते हैं अब हमने ये प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी और इन्वर्स है वो क्या होगा इस ग्रुप में यूनिक होगा सो so, सेम हमने दो आइडेंटिटीज ले लेनी है इस ग्रुप में सो आई विल राइट लेट ए बिलोंग करेगा ग्रुप जी को एंड लेट ई वन एंड ई टू द आइडेंटिटीज ई वन एंड ई टू बी टू आइडेंटिटीज इन ग्रुप जी सो so, ये दो आइडेंटिटीज़ भी ले ली हमने इस ग्रुप में सो so, अब हमने ये शो करना है ई वन किसके इक्वल आएगा ई टू के इक्वल सो देन आई विल राइट अगर मैं ई वन इन टू उसका बाइनरी ऑपरेशन विथ ए लूंगी सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वो टर्म ही ए ही होगा क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन है एंड वी कैन से दैट ई वन इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई वन इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि दैट सेकेंड टर्म ई टू इन टू ए दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए बिकॉज यहाँ पे आप लिखेंगे ई टू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास इक्वल आ रही हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दे आर फोर आई विल राइट हेयर यहां से हमारे पास आ जाएगा दैट ई वन इज ई वन ए दिस इज इक्वल टू ई टू ए देन अगेन ई वन इज इक्वल टू ई टू सो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास राइट कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ सो राइट कैंसिलेशन लॉ आपने अप्लाई करना है कैंसिलेशन ला सो हमारे पास ई वन किसके इक्वल आ जाएगा ई टू के इक्वल आएगा तो हमारे पास यहाँ से शो हो गया कि जो आइडेंटिटी uh, है वो क्या है यूनिक सो दिस शोज दैट आइडेंटिटी इज यूनिक सो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया अब हमने कौन सा पार्ट प्रूव करना है इसका इन्वर्स भी हमें यूनिक बताना है तो सेम चीज आएगी इन्वर्स के लिए अब देखें कैसे करेंगे हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे सो लेट ए कोई एलिमेंट है जो ग्रुप जी को बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स भी ग्रुप को बिलोंग करेगा सो ए इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप जी अब हमें इस इसमें करना क्या पड़ता है एज पर डेफिनेशन ए स्टार बी वो किसी इक्वल शो करना होता है आइडेंटिटी एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू बी स्टार ए तो सेम यहाँ पर हम एलिमेंट लेंगे सो आई विल राइट हीयर इफ पॉसिबल सपोज दैट इफ पॉसिबल सपोज दैट हमारे पास दो इन्वर्सेज हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड सी फॉर सम b एंड सी इन ग्रुप जी सो ये हमारे पास आ गया तो अब हमने लिखना है सिंस अगर बी uh, जो है दैट इज b इज़ द इनवर्स ऑफ ए तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे C जो है वो इनवर्स है A का तो हम कैसे लिखेंगे C इज इक्वल टू ए इनवर्स तो यहां से हमारे पास हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस इज इक्वल टू बी ए बिकॉज ये चीज एग्जिस्ट करती है ये सेम चीज है इसी तरीके से यहां से आ जाएगा आपके पास ए सी दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस इज इक्वल टू सी ए सो मीन्स ए को हमने क्या कर दे अगर हम दूसरी साइड ले जाएं तो so यहाँ पे इस ए इनवर्स की जगह पे क्या रह जाएगा आइडेंटिटी तो वही टर्म मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखी है सो so, अब दोनों इक्वलिटीज uh, इक्वल equal आ रही है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ गया बी इज इक्वल टू सी बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ सो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया कि दैट ए इनवर्स इज यूनिक हेंस प्रूव सो वी कैन से ईच एलिमेंट Of group G has a unique inverse. सो so, आप इसपे और भी थेरम्स uh, हैं वो आप सॉल्व करें सो थैंक यू